तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है और अगर वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है। तो हम गोश्त के लोथड़े को ठीक करने के लिए हुजूर के बताए हुए तरीके को अपनाते हैं और वही पानी लगाते हैं ताकि इस चेहरे के ऊपर वो निखार आए कि जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि जहां से गुजरते जिसका भी नजर चेहरे बद्दुआ पर पड़ती उस पर भी बाहर आ जाता। इसलिए जिक्र का ये कमाल है, जिसके सीने के अंदर जिक्र एक बार आ जाए फिर ना यहाँ से जाता है, उसका इजहार उसका रंग हमेशा चेहरे पे आता है और जब चेहरे पे आता है वहाँ से वो रंग फैलते हैं तो देखने वाले की नजर वहीं रुक जाए, कुचले पे मायल हो जाता है, कुचले पे मजबूर हो जाता है। बताओ तो सही, तुम्हारे चेहरे के ऊपर रंग कोई जुदा नजर आ रहा, कहाँ से दिया तुमने ये रंग, मैं भी ये रंग लेना चाहता। तो जिसके पास यहाँ जिक्र हो तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह जब उसे सुनाता है उसके भी रंग।